अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेटियों के बारे में। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, फिजा को जैसे ही पता चलता है कि दानिश ने फारिस का साथ दिया है और हानिया के रिश्ते की बात की है अपनी माँ से, तो उसे इस बात का यकीन नहीं आता। तो वो दोबारा फिर दानिश से पूछती है कि आपने सब कुछ क्यों किया। दानिश कहता है कि देखो, फारिस ही तो मेरा सब कुछ है और वैसे भी उसकी खुशी हानिया के साथ शादी करने में भी है और दोनों बच्चे घर के ही होगा। खैर, सुनने में तो ये आया है कि तुम इस रिश्ते के खिलाफ जा रही हो, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह तो सारी आपके सामने ही है, अभी तक आपकी मामा ने मुझे तो दिल से एक्सेप्ट किया नहीं है, तो क्या वो और हानिया तो मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है, वो तो ना किसी की बात मानती है, जो उसके दिल में आता है वही करती है। दानिश कहता है मैं जानता हूँ कि वजह ये नहीं है, खैर तुम मुझे अपनी बताओ। फिजा कहती है खैर दानिश, बात ये है कि अभी तक हमारा रिश्ता ही मुझे तो सीधा नज़र नहीं आ रहा, तो हम बच्चों के आगे क्या रिश्ते करवाएं। नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे। फारिस कहते हैं कि देखे मामा, अगर आप इस शादी के लिए मान जाएँ तो आप यकीन करें मेरी तो सारी विशेष ही पूरी हो जाएंगी। जहरा बेगम कहती है कि नहीं फारिस, तुम्हें हम दोनों में से एक का चुनाव करना होगा, या तो तुम अपनी माँ को रखोगे या उस हानिया को। फारिस कहते हैं कि मामा, मुझे पता है कि आप ही मेरा वीक पॉइंट ले रही हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं आपको तो कभी भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपको भी तो मेरी खुशी का ख्याल करना चाहिए। जहरा कहती है ये तो तुम लोग मेरी हिम्मत समझो कि मैं इस फिजा को इस अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ और तुम ऊपर से हानिया को लाने की बातें कर रहे हो। तो सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक।